हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू निकीज हैप्पी वर्ल्ड। फिलहाल मैं जो है आजकल प्रेगनेंसी सीरीज मैंने स्टार्ट करा है, जिसमें मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज का टॉपिक ये है कि मैं आप लोगों के साथ आज जो है मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी का सेकेंड सी सेक्शन जो है शेयर करने वाली हूँ। जी आपने सही सुना, क्योंकि फर्स्ट जो है मेरा बेबी बॉय है, मतलब अभी वो टोडलर है, 2 ईयर्स का हो गया है। उसके बाद थर्ड ईयर में ही मुझे जो है एक्चुअली मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया, उसके बाद प्रेगनेंसी रह गई और थर्ड ईयर में जो है मेरा सेकेंड बेबी बॉर्न हो गया है। सेकेंड बेबी बॉय ही है। सो एनी वेज, सो सी सेक्शन का एक्सपीरियंस मैं इस बार ही इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट वाला जो है सी सेक्शन बहुत स्मूथ था, बट सेकेंड वाला जो है वो बहुत डिफिकल्ट था। तो पहले आपको मैं बता दूँ कि पूरी आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ ये मेरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद जो है आप बिल्कुल भी डरिएगा मत। सबकी बॉडी, प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग, सिचुएशन और सिम्टम सारा सब कुछ अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है मुझे जो हुआ वो आपको भी हो, बट आई जस्ट फेल लाइक, क्योंकि मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स लोग हैं वो भी सुनना चाहते थे कि अरे अभी हम भी प्रेग्नेंट हैं तो तुम्हारा सेकेंड प्रेगनेंसी कैसा था, सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा था एंड ऑल दैट। सो एज क्योंकि मेरा फर्स्ट भी सी सेक्शन था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेकेंड भी आप लोगों का जो है सी सेक्शन ही होता है, ऐसे मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया। क्योंकि अगर आप नॉर्मल के लिए बाय इन एनी चांस अगर आपका होता भी है तो फर्स्ट आपका सी सेक्शन हुआ रहता है, तो उसके टाके खुलने के वाइल पुशिंग द बेबी डाउन साइड वो खुलने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका सी सेक्शन ही होता है। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, सी तो सी। वैसे भी आजकल हम लोगों में, मतलब स्पेशली मुझ में, तो मैं बता रही हूँ खुल के ही कि यार मैं तो लेबर का पेन नहीं सह सकती। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ा सा लेबर हुआ था और सच में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। और सेकेंड इसमें भी जो है आखिरी में काफ़ी, जब मुझे ऐसे थोड़े थोड़े कॉन्ट्रेक्शन आते थे, लेबर पेन वगैरह होता था, तो मतलब बहुत दर्द होता था। तो आई न्यू दैट कि मैं तो सहन नहीं पाऊंगी। स्टिल आई वॉज होपिंग कि नॉर्मल के लिए जाए, लेकिन जब डॉक्टर ने ऐसे बता दिए तो मैंने बोला ठीक है, सी तो सी सेक्शन ही करेंगे। एनीवेज उन्होंने बोला कि ये इलेक्टिव सर्जरी होगी, क्योंकि 38 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप सोचो कि आपको कब करना है। हमने डेट सिलेक्ट करी। हुआ यूँ कि वो बोलते हैं ना, ये बेबी को जब बॉर्न मतलब होना रहता है, जब आना रहता है बेबी, तभी आता है, उसी डेट पे आता है, टाइम पे आता है। तो हमने जो डेट सिलेक्ट करी उस डेट पे नहीं हम कर पाए, उसके 2 दिन पहले हमें जो है करनी पड़ी, बिकॉज थोड़ा मैंने फोटोशूट वगैरह कर लिया था ऐसे ही, थोड़ा एग्जर्शन हो गया था। तो हमने बोला चलो ये डेट तो ये डेट ही सही। एनीवेज तो फिर उस दिन जो है आराम आराम से सारे सभी हम लोगों ने बैग भरी, बेबी का बैग भरा, मेरा बैग भरा। रात में जो है खा पी के जाके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। सबसे पहले तो है जो एज यूजुअल वो ना आप लोगों का बेबी का हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर करते हैं, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो है बस आराम से खाओ पियो एंजॉय करो, और फिर जो है नेक्स्ट डे जो है सारा सब आपका मेन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर बीच बीच में बेबी का जो है हार्ट रेट मॉनिटर हो ही रहा था, तो रात में कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो है वो टाइम सिलेक्ट करा था। सो इट वॉज काइंड ऑफ, वी वॉन्टेड इट फ्रॉम 7 AM to 9 AM, तो उसमें आप कभी भी करो। तो 6:30 बजे उन्होंने बोला कि हम रेडी रहेंगे, आपको लेके जाएंगे ओटी में वगैरह, तो उसके पहले आपका मोशन पास हो जाना चाहिए। और पता नहीं यार, रोज मतलब ना मोशन बराबर टाइम पे होता है, और उसी दिन सर्जरी वाले दिन ही ऐसा हुआ कि मेरे को मोशन पास ही नहीं हुआ। और फिर कुछ नहीं, अभी पेट तो उसके लिए यू नो क्लीन चाहिए, तो फिर एनीमिया देख के जो है 5 बजे ही मैं मोशन जाके आ गई। तो चलो पहली प्रोसीजर ठीक से हो गई, मेरा ओके फाइन नो प्रॉब्लम। सेकेंड मेरा मतलब ऐसे माइंड सेट था कि पहली वाली जो मेरी सी सेक्शन हुई थी वो एकदम स्मूथ हुई थी, 20 मिनट्स में मेरा बेबी जो है वो बाहर आ गया था, तो ये भी वैसे ही होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा सब कुछ बढ़िया से अच्छे से हो जाएगा। बट नो, इट वॉज नॉट दैट। सो हुआ यू, बराबर मोशन पास हुए, 6:30 7 बजे जो है ओटी में मुझे ले जाया गया। वहाँ पे मैं गई यार, डॉक्टर्स वगैरह सारे सब आ गए थे, पूरी तैयारी चल रही थी, एंड देन उन्होंने ना 2 सलाइन लगाई। अभी मुझे उतना पता नहीं है उनके नाम वगैरह, वो किस चीज़ के लगाते हैं क्या है वगैरह, बट लगाई और मुझे बिल्कुल भी लेबर पेन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, आई वॉज वेरी मच फाइन।
कोई दर्द, कोई लेबर कॉन्ट्रेक्शन कुछ नहीं था, ठीक है। तो मैं लेट गई, फिर उन्होंने वही कैथेड्रल डाला। तो कैथेड्रल पहले, अच्छा सलाइन लगाई, इस पहले मैं बताती हूँ, पहले उन्होंने सलाइन लगाई। तो जैसे उन्होंने सलाइन लगाई, उसके 5 मिनट्स के बाद ना मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर लेबर पेन होने लग गया। मैंने बोला, अरे यार ये क्या हो रहा है। और उसमें मतलब मैं नीचे ऐसे लेट भी नहीं पा रही थी। तो मैंने बोला, यार अब क्या करूँ, ये तो पेन स्टार्ट हो गया, अब तक तो ठीक था, और अगर ऐसा ही पेन सर्जरी के दौरान होने वाला है तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा भयंकर पेन था। और सिर्फ यू नो 5-10 मिनट्स के लिए ही था, लेकिन उतने ही समय जो है मेरी पूरी जान निकल गई थी। इतना मैं मतलब रोए जा रही थी। मैंने उनको पूछा भी, आपने क्या दिया, कुछ हुआ क्या, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उनको सब पता होता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट वो सलाइन लगाने के बाद कुछ तो हुआ। तो फिर वो बोले कि नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअल में फिर 10 मिनट्स के बाद मैं वेट कर रही थी, तो वो हो गया। तो पहला वाला तो ये था, ये एकदम ज़बरदस्त वाला 10 मिनट्स का लेबर पेन हुआ। सेकेंड, नीचे टॉयलेट के लिए कैथेड्रल वो डाला जाता है, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम के सी सेक्शन में जो है बहुत ही स्मूथली है ना मेरा चला गया था, और अच्छे से उन्होंने डाला था। बट इस टाइम पे पता नहीं इस प्रोसेस में भी जो है उनको टाइम लग गया, और मुझे बहुत दर्द हुआ नीचे। मतलब जब वो डाल रहे थे तो पता नहीं सही से गया नहीं था। एक तो आप एकदम डर डर के बैठे रहते हो कि हाँ बस जो भी है फर्स्ट टाइम में आप करो तो फट से वो हो जाए, बट नहीं हुआ था। देन अगेन दे रिमूव्ड इट, और फिर वापस उन्होंने डाला, तो वो मुझे एक सेकेंड दर्द हुआ। थर्ड आता है सबसे मेन वाला प्रोसीजर, और वो है कि आपके स्पाइन में आपको जो है नीचे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। अब तक मैंने सुना था कि काफ़ी जो वुमेन है जिनका सी सेक्शन होता है, तो क्योंकि जब मेरी भी डिलीवरी होने वाली थी, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो सब बोलते थे कि अरे ये प्रोसीजर बहुत ही डेंजर होता है, सारा सब हो जाता है, बट जब इंजेक्शन मारते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो मेरे फर्स्ट सी सेक्शन में मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ था, आई वॉज लाइक ओके। बट इसमें डॉक्टर ने सबसे पहले बहुत टाइम लगाया, ही वॉज पता नहीं वो क्या जज कर रहे थे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ना सारा पूरा टच करके देख रहे थे, पॉइंट देख रहे थे कि क्या उनके हिसाब से वो सारा सब देख रहे थे। बिकॉज आई वॉज लाइक वेरी मच रेडी। फर्स्ट सी सेक्शन में मेरा ऐसा हुआ था कि हाँ बस आप बैठ जाओ और थोड़ा सा तुम्हें दर्द होगा एंड देन इट इज़ फाइन। इस बार हाँ ठीक है बैठो, एंड देन ही वॉज चेकिंग चेकिंग चेकिंग, और फिर सारा सब कुछ होने के बाद देन ही सेड कि अच्छा ठीक है अभी लंबी सांस लो, अभी हम लोग जो है इंजेक्शन देंगे। इतना बोलने के भी 5 मिनट्स बाद उन्होंने नहीं दिया, एंड देन सडनली ही जस्ट पिंच्ड इन, एकदम से निडल मुझे महसूस हुई। तो वो हुई तो हुई, फिर एकदम मैं ऐसे थोड़ी हिल गया, एंड देन ही वॉज लाइक कि अच्छा ठीक है अभी आप हिलो मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ओके फाइन। मैंने बोला, यार तब से क्या ही कर रहे थे ये, अभी इंजेक्शन भी लग गया तो ये गया नहीं क्या अंदर। सो एनी वेज, फिर उसके 2 मिनट के बाद आई फेल्ट लाइक कि ठीक है, पहला वाला जो था वो निडल चुभा, एंड सेकेंड टाइम जो है उन्होंने वो पूरा प्रेस किया पीछे का इंजेक्शन का बटन। एंड उससे क्या हुआ ना, फिर पूरा जैसे एनेस्थेशिया, आई कुड जस्ट फील इट इन माई बॉडी, यू नो, एकदम पूरा वो अंदर गया, प्रेस हुआ, एंड देन पूरे मेरे बॉडी में जो है मतलब इस पार्ट में नीचे के पूरा वो स्प्रेड हुआ। तो उस टाइम पे ना इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इट वॉज लाइक हॉरिबल। तो एकदम वो मुझे फील हुआ है ना, आई वॉज लाइक अरे ये क्यों फील हो रहा है, मतलब पहले वाले इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उतना 5 मिनट मुझे फील हुआ दर्द, और फिर धीरे धीरे जो है एकदम मेरा बॉडी एकदम ऐसे गर्म हो गया, एंड फिर बाद में जो है एकदम वो नम हो गया पूरा का पूरा बॉडी। तो फिर बाद में मुझे थोड़ा ठीक लगने लग गया, फिर कुछ नहीं मुझे लेटाया, एंड देन दे स्टार्टेड द प्रोसीजर। फिर मुझे पूरा एहसास हो रहा था, ऑब्वियसली आपको दर्द नहीं होता एनेस्थेशिया की वजह से, आपको कुछ फील नहीं होता, बट आपको समझता है कि अभी कट लगाया है, एंड देन ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स लोग भी बातें बातें करते रहते, तो आपको समझ जाता है कि अभी क्या चल रहा है। सो दिस फोर्थ थिंग वॉज लाइक उन्होंने कट दिया, सारा सब कुछ हुआ, और फिर मैंने बोला चलो अभी 5 मिनट्स में बेबी आएगा, 10 मिनट्स में बेबी आएगा, लेकिन नो, बेबी आने का नाम ही नहीं। मैंने बोला क्या चल क्या रहा है यार इन लोगों का, मतलब मैं तो कब से वेट कर रही थी कि मेरे बेबी की रोने की मेरे को आवाज़ सुनाई दी, एंड इट वॉज आई वॉज लाइक मोर एक्साइटेड ऑल्सो, क्योंकि जेंडर भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, अभी बॉय है गर्ल है जो भी है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे जल्दी जल्दी में थी मैं कि अरे जल्दी से बेबी को निकालो और फिर मुझे सुनाओ और दिखाओ मेरे बेबी को, तो नहीं हो रहा था। देन फाइनली डॉक्टर सेड कि बेबी जो है मतलब, अच्छा मैं आपको ये प्रेगनेंसी का बता दूँ, मेरा जो फर्स्ट ये था
बेटा जिसकी डिलीवरी हुई तो वो प्रॉपर ऐसे नीचे के साइड में था, तो मतलब यू नो फट से निकल गया था, बट माई दिस सेकेंड बेबी वॉज लाइक यहाँ चेस्ट के नीचे के साइड में, मतलब इस पोर्शन पे था, तो और ऊपर से शायद वो स्टिक हो गया था यहाँ कि क्या डोंट नो। तो सामने जो डॉक्टर्स मतलब यू नो ऐसे कर्टन लगाते हैं, आपको पता होगा, पीछे हम ऐसे लाई डाउन करते हैं, पीछे के साइड एनेस्थेशिया के डॉक्टर होते हैं और ऑब्वियसली नीचे के साइड मतलब आगे के साइड पे कर्टन और उसके वहाँ पे वो साइड पे डॉक्टर्स होते हैं। सो उन्होंने बोला एनेस्थेशिया वाले डॉक्टर को पीछे से कि अरे बेबी नहीं निकल रहा है, एक काम करो पुश करो। मैंने बोला क्या नहीं निकल रहा है, क्या मतलब है? तो बोलते दिखाई नहीं दे रहा है, पुश करो। मैंने बोला ओके चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा, चला जाएगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके निकी यू कैन डू इट, डू इट, ऐसे मैं अपने आप को समझाई जा रही थी, बोली जा रही थी। इट वॉज सो टेरिबल। पीछे से डॉक्टर ने, उन्होंने एकदम कैजुअली, जैसे उनको तो आदत होती है इसलिए वो करते, लेकिन हमें तो आदत बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो पुश किए जा रहे हैं। एंड मैं ट्रस्ट में आपको बताऊँ, हर पुश में, हर उनके पुश में मेरी सांस थम रही थी। एंड इट वॉज अ फीलिंग ऑफ लाइक काइंड ऑफ यू नो मैं बस अभी मरने वाली हूँ, आई विल जस्ट डाई, इतना वो पेन था और पूरी मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही थी, एकदम सांस रुक जा रही थी हर पुश पे। तो उन्होंने मुझे लगता है आई गेस 4 to 5 पुश दिए होंगे एंड वो बहुत हॉरिबल था। मैंने बोला प्लीज़ भगवान जी इसमें निकाल दो बेबी को, जल्दी से निकालो। एंड 4-5 पुश के बाद जो है फाइनली नीचे बेबी गया एंड देन द डॉक्टर्स कुड टेक द बेबी आउटसाइड। तो चलो वो भी एक हो गया। तो 4th वाला एक्सपीरियंस ये था एकदम, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, वो हुआ। फिर 5th में यार ऐसे हुआ, मतलब बिल्कुल मैंने ऐसे सुना था कि ऐसे होता है, बट आई वॉज वेरी मच लकी कि मेरे फर्स्ट सेक्शन में नहीं हुआ था ऐसे। और जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैं वही माइंड सेट में थी कि 20 मिनट्स में जो है प्रोसीजर पूरा हो जाएगा फर्स्ट सेक्शन के हिसाब से, तो इतनी सारी डिफिकल्टीज आई 4 स्टेप में, मतलब हर स्टेप में कुछ ना कुछ हो रहा था। अभी 5th स्टेप में ऐसा हुआ, बेबी तो निकल गया, आई वॉज सो हैप्पी, एकदम मेरी आंखों में आंसू एंड ऑल दैट, आई वॉज हैप्पी एंड एवरीथिंग। फिर अचानक से जो है मुझे एकदम मेरे यहाँ पे चेस्ट में एकदम प्रेशर फील होने लग गया कि जैसे मेरी हार्ट बीट जो है कोई रोकना चाहता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर, कुछ हैवी रख दिया है मेरे हार्ट पे। तो मैंने फिर डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे हो रहा है, एकदम मेरे मुँह से जो मतलब है आप बोल सकते हो ठीक है, बट जब वो प्रेशर फील हो रहा था तब मेरे मुँह से ना आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ऐसे हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर्स जो सामने थे वो भी सुन रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है करे। फिर थोड़ी देर बाद यार मैं जब तक यहाँ का ये वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, उतने में मुझे वॉमिटिंग जैसा भी फील होने लग गया। मैंने बोला अरे बाप रे अब ये क्या हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस वॉज काइंड ऑफ वर्स्ट फीलिंग, मतलब एक जगह पे यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है, मैं सांस ले नहीं पा रही हूँ, मेरे मुँह से जो है आवाज़ नहीं निकल रही और ऊपर से मेरे को वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा है। सो ऑल द फीलिंग्स वर लाइक यू नो सारी सभी चीज़ें एक साथ हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ, वॉमिट जैसा फील हो रहा है बट आ नहीं रही। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्होंने ट्रे मंगवाया तो मैंने जस्ट स्पिट करा बट आई कुडंट वोमिट यू नो। तो फिर डॉक्टर ने बोला कुछ तो पिटोसिन या हाँ पिटोसिन शायद था, तो उसका कुछ जो है वो उसको कम ज़्यादा मात्रा में वो ज़्यादा हो गया था तो उसको कम करो वगैरह ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला कि ये करो। फिर तब जाके जो है उन्होंने वो वापस मेरे सलाइन में इंजेक्शन थ्रू डाला और उसके फिर 5-10 मिनट्स के बाद जो है आई स्टार्टेड टू फेल्ट नॉर्मल, तो मुझे थोड़ा मतलब ठीक लगने लग गया। तो फिर मैंने बोला हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो धीरे धीरे जो है फिर बाद में वो ठीक हुआ। तो ये हो गई 5 स्टेप्स और इसमें हर स्टेप में जो है मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है डिफिकल्टी आई, झेलना पड़ा और ऐसे करते करते मुझे लगता है यार आधा पौन घंटा निकल गया, ठीक है बेबी बॉर्न हो गया, सारा सब कुछ हो गया। बट अभी मेन बात ना क्या हुई, सारा सब तो हो गया ठीक है, उन्होंने सब टाके वगैरह भी लगा दिए, एवरीथिंग वॉज फाइन। उसके बाद जो है वो आपको 3 घंटे ना एक रूम में अकेले को रखते हैं ताकि आप ज़्यादा बात ना करो कुछ ना करो, और ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ा दी थी बट आई वॉज सो शिवरिंग कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये भी मैंने सुना था और मेरे फर्स्ट ही सेक्शन में भी मुझे हुआ था, बट इट वॉज अ बेरेबल वाला ठंड, मतलब नहीं क्या मैं बेर कर पा रही थी,
आई वॉज लाइक ओके, आई वॉज फाइन विथ दैट टेम्परेचर. बट इस बार जो है मुझे रखा गया था, एक तो जब आपको फिर वो अलग से रूम में रखते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के हॉस्पिटल में वगैरह जहाँ पे डिलीवरी हो कैसे हुआ था, बट मेरे इस हॉस्पिटल में मेरे दोनों सी सेक्शन के टाइम पे यही हुआ था. तो वापस आई वॉज लाइक अलोन इन दैट रूम, नो नर्स एंड नो बडी वॉज देयर. बस बीच बीच में आते हैं वो आधे घंटे में पूछने के, दर्द हो रहा है, कैसा है, क्या है. तो पूरा जो है स्टार्टिंग आधे घंटे में पूरी शिवर कर रही थी, पूरी शिवर कर रही थी, मतलब बहुत ठंड लग रही थी, पूरे मेरे दांत कट 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 ऐसे कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, और नीचे तो नम था, उधर उतना ज़्यादा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बट बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे. सो सिक्स थिंग वॉज दिस, आई मीन हर स्टेप में कुछ ना कुछ था. मैंने बोला ये क्या ही हो रहा है यार, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा. फिर एक नर्स आई, उनको भी मैंने बोला कि देखो ऐसे ऐसे है, ऐसा हो गया है, तो क्या करूं मैं. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल. उन्होंने और थोड़ा सा ब्लैंकेट लेके मेरे ऊपर और ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर उड़ा दिया, और बोलते हैं कि थोड़े टाइम बाद जो है वो ठीक हो जाएगा. और उसके बाद एक्चुअली फिर वो ऐसा होता है कि आप इतने थक भी गए होते हो ना, तो धीरे धीरे मतलब उसी फीलिंग के साथ और उसी शिवरिंग के साथ एंड एवरीथिंग, बाद में आपको नींद भी आने लग जाती है. तो उसके बाद जो है आराम से पूरा 2 घंटा स्ट्रेच लेके मैंने मस्त मैं सोई हूँ, आराम किया है, और उसके बाद जो है फिर मुझे रूम में ले जाया गया था. अब ये चीज़ जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. इतना होने के बाद जो है मेरे फर्स्ट सी सेक्शन में सेकंड थर्ड डे पे जो है मैं 5 मिनट्स में पैरों पे उठ के जो है चलना फिरना स्टार्ट कर दिया था. बट इस टाइम पे जो है ना वो वैसा नहीं हुआ था. इतना ज़बरदस्त, इतना बुरा पेन था मेरा कि मैं क्या बताऊँ. मतलब एटलीस्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस में मैं जो है इंक्लाइन करके बेड को ऐसे बैठ भी पाती थी, बट इसमें अगर मैं सीधी लेटी हूँ तो मैं सीधी ही लेटी रहूँगी फॉर आवर्स. अगर मैं ऐसी टर्न हो गई, वो भी मैं 3 दिन के बाद यू नो टर्न हो पाई, अदरवाइज मुझसे वो भी नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन था. तो ये साइड हो गई तो बस वैसा ही. फिर तीसरे दिन एज यूजुअल डॉक्टर्स आए, नर्सेज आए, बोला अभी जो है चलना स्टार्ट करो. मुझे खड़े होने में बेड से 20 मिनट्स लग गए, यू नो 20 मिनट्स. अब मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा भी लगते हैं कि कम इसमें हो जाता है, बट पहले इसमें जो है मैं 5 मिनट्स के बाद जो है पैरों पे खड़ी हो गई थी और मैं चलना स्टार्ट करती थी. बट इस टाइम पे जो है 20 मिनट्स मुझे सिर्फ बेड से नीचे पैर ज़मीन पर रख के खड़े होने में लग गए. वो होने के बाद जो है चलने में और 10 मिनट लगे. फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है चीज़ें नॉर्मल होने लग गई, बट करवट तो फिर भी 2 हफ्ते तक जो है मैं प्रॉपर ऐसे नहीं कर पाई थी. मतलब आप कर पाते हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो यू नो हर करवट के बाद जो है मुझे बहुत टाइम लग जाता था करवट लेने में, भी बहुत पेन था. तो ये लास्ट वाला फाइनली स्टेप था कि जहाँ पे ऐसे से हुआ. तो वही जो है लोग बोलते हैं कि अगर 2 सी सेक्शन हो जाए, और एक्चुअली मुझे ना रिकवर होने के मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, 1.5 साल ही हुआ था पहले मेरे टोडलर को, उसके बाद प्रेगनेंसी रह गई, फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स एंड एवरीथिंग वो स्टार्ट हो गए, और उसके बाद तुरंत ही जो है 3rd ईयर में 2nd बेबी भी आ गया. सो एंड अगेन इट वॉज एज अ सी सेक्शन, तो फिर और ज़्यादा यू नो तकलीफ वगैरह हुई. तो आई फील लाइक कि वैसा होता होगा बेबी, बट दिस वॉज माई एक्सपीरियंस. जस्ट आपको हेड्सअप दे रही हूँ और पता होना चाहिए कि मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है. होप जो भी प्रेग्नेंट है या जिनका भी सेकेंड प्रेगनेंसी और सी सेक्शन होने वाला है, तो वो प्लीज़ स्ट्रांग रहिए. टाइम तो निकल जाता है, कट जाता है, बस उतना वो फेज, उतना वो मोमेंट होता है, वो टाइम होता है कि जहाँ पे जो है आपको वो पेन सहना पड़ता है. और ये तो हम सभी जानते हैं भाई कि हम औरतों को तो सहना पड़ता ही है, एंड वी आर डेफिनेटली वेरी स्ट्रांग. हम तो सारा सब कुछ जो है सह लेते हैं, कर ही लेते हैं. तो बस यही आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहती थी, अपना सेकेंड प्रेगनेंसी का सेकेंड सी सेक्शन का एक्सपीरियंस. वैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी शेयर कर रखे हैं, और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है, आप बाकी सारे भी मेरे वीडियोस चेक करिएगा, शॉर्ट्स चेक करिएगा, मिनी ब्लॉग्स चेक करिएगा. और अगर वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और मुझे आपके कोई भी सवाल है, कुछ भी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, या जो भी आपके सवाल होंगे ज़रूर पूछना. आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑन दैट. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर.